सब्सक्राइब कीजिए ट्रिपल एस शेप्स ऑफ इंडिया चैनल को और बेल आइकन दबाइए हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल ट्रिपल एस सक्सेस सपोर्ट सिस्टम शेप्स ऑफ इंडिया में, और मैं हूं प्रखर कुलश्रेष्ठ। दोस्तों एक बार फिर से हाजिर हैं हम आपके लिए एक नया वीडियो लेकर, और आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि हार को जीत में कैसे बदलें। दोस्तों आप हमारे इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो से जो आपको नॉलेज मिलने वाली है, जो ज्ञान मिलने वाला है, वो बहुत ही कीमती है, और आपको बाद में फिर ये कोई बताएगा भी नहीं। तो आइए दोस्तों करते हैं अपनी शुरुआत। दोस्तों सामाजिक कार्यकर्ता और दूसरे लोग जो गरीब इलाकों या झुग्गी झोंपड़ियों में काम करते हैं, उनका कहना है कि इन दयनीय लोगों की उम्र, धार्मिक आस्था, शिक्षा और पृष्ठभूमियाँ सब अलग अलग होती हैं। दोस्तों इनमें से कई नागरिक आश्चर्यजनक रूप से युवा होते हैं, कुछ बूढ़े होते हैं, कुछ कॉलेज ग्रेजुएट होते हैं, कुछ बिल्कुल अशिक्षित होते हैं, कई शादीशुदा होते हैं, कई कुंवारे होते हैं। परंतु गरीबी के दलदल में रहने वाला सभी असफल लोग, हर तरह के असफल लोग, इन सब लोगों में एक बात समान होती है कि हर आदमी हारा हुआ है, हर आदमी पिटा हुआ है, हर एक ने समस्याओं के सामने अपने घुटने टेक दिए हैं। वह आपको उस दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति के बारे में बताने के लिए उत्सुक है, व्यग्र है, जो उसकी ज़िंदगी का वाटरलू साबित हुई है। दोस्तों अब जब हम सफलता की कम भीड़ वाली दुनिया में ऊपर चढ़ते हैं, तो हम देखते हैं कि यहाँ भी हर तरह की पृष्ठभूमि से आए लोग मौजूद हैं। कॉरपोरेट एग्जीक्यूटिव हों या प्रसिद्ध मंत्री या सरकारी अधिकारी, हर तरह के लोग हमें यहाँ पर देखने पर मिलते हैं। और ये लोग गरीब घरों, अमीर घरों, बिखरे हुए परिवारों, मजदूर परिवारों, खेतीहर घरों और झोपड़ियों से, यानी कि हर पृष्ठभूमि से आए हैं। समाज का नेतृत्व करने वाले ये लोग हर उस कठिन परिस्थिति को झेल चुके हैं जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। हमारे मामले में मिस्टर असफल लोग, मिस्टर फेलियर लोग, मिस्टर एवरेज लोग, मिस्टर औसत और मिस्टर सक्सेसफुल लोग, यानी कि मिस्टर सफल लोग, इन तीनों में एक ही समानता होती है, उम्र, बुद्धि, पृष्ठभूमि, राष्ट्रीयता या कोई और चीज़ जो आपके दिमाग में आए। इन सभी बातों में कोई अंतर नहीं होता, परंतु इन सब लोगों में एक बहुत बड़ा फर्क होता है। इन लोगों के हार के बारे में नज़रिया अलग अलग होता है, ये हार को एक अलग नज़रिए के हिसाब से देखते हैं। अगर हम बात करें मिस्टर असफल लोगों की, तो ये जो मिस्टर असफल लोग होते हैं, ये दोबारा नहीं उठ पाते, वे वहीं पर पड़े रहते हैं कराहते हुए, अपनी चोट को सहलाते हुए। जबकि औसत लोग उठते हैं, रेंगने लगते हैं और दूसरी दिशा बदल लेते हैं। लेकिन जो सक्सेसफुल लोग होते हैं, वो उनकी प्रतिक्रिया भिन्न होती है, वो तत्काल खड़े होते हैं, सबक सीखते हैं और गिरने की बात को भूलकर ऊपर की तरफ बढ़ने लगते हैं। दोस्तों अगर आप लोगों की जीवनियाँ पढ़ेंगे, तो आप पाएंगे कि जो लोग बहुत सफल हुए हैं, उन्होंने कई बार असफलताएं झेली हैं, उन्होंने लोगों का विरोध सहन किया है, लोगों के ताने सहे हैं, राह में बाधाएं और तकलीफें झेली, असफलताओं का दौर झेला, व्यक्तिगत दुर्भाग्य सहा है। महान लोगों की जीवनियां पढ़ें और आप यहां पर ये पाएंगे कि किसी न किसी मोड़ पर वह अपनी असफलताओं के सामने घुटने टेक सकते थे। या फिर अगर आप चाहें तो अपने शहर के किसी मेयर या किसी ऐसे व्यक्ति को चुन लें जिसे आप सचमुच सफल मानते हों। आप गहराई में जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि इस आदमी ने बहुत सारी असली बाधाएं पार की हैं, तब जाकर वह सफल हुआ है। बिना विरोध, मुश्किलों और असफलताओं के बड़ी सफलता हासिल करना संभव नहीं है। परंतु यह संभव है कि आप इन असफलताओं को आगे बढ़ने की प्रेरणा बना लें। आइए देखें किस तरह से इसको किया जा सकता है। दोस्तों आपने डॉक्टर्स देखे होंगे, जो डॉक्टर्स होते हैं, डॉक्टर्स भी असफलताओं के सहारे अगर चाहें तो बेहतर स्वास्थ्य और लंबे जीवन को सुनिश्चित कर सकते हैं। अक्सर जब भी कोई मरीज अनजान कारण से मरता है, तो डॉक्टर साहब ये जानने के लिए पोस्टमार्टम करते हैं कि उसकी मौत का कारण क्या था। इस तरह वे मानव शरीर की कार्य प्रणाली के बारे में ज़्यादा जान पाते हैं और कई दूसरे लोगों की जिंदगियाँ भी बचा पाते हैं। अब दोस्तों चाहे ये CAA सिविल एरोनॉटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन हो, या फिर सफल सेल्स एग्जीक्यूटिव हो, या फिर डॉक्टर हो, या फुटबॉल कोच हो, हर तरह के प्रोफेशनल सफलता के इस सिद्धांत का अनुसरण करते हैं। वो अनुसरण सफलता का सिद्धांत ये है कि हर असफलता से कुछ ना कुछ बचा लो, और हम अपनी हार को जीत में बदल सकते हैं। दोस्तों अपनी हार को जीत में बदलने के लिए हमें सिर्फ ये जानना होगा कि हार केवल एक मानसिक स्थिति है, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। असफलता से कुछ सीखने का फैसला लीजिए। अगली बार जब नौकरी या घर में कोई गड़बड़ हो, तो शांत हो जाएं और पता लगाएं कि गड़बड़ कहाँ से शुरू हुई है।
इससे आप उसी गलती को दोबारा करने से बच सकते हैं। अगर हम कुछ सीखें तो सफलता से इतना सीखें कि असफल होना भी फायदेमंद साबित हो सकता है। हम इंसान भी अजीब होते हैं, अपनी सफलताओं का श्रेय तो हम पूरा लेना चाहते हैं, जब हम जीतते हैं तो हम पूरी दुनिया को इस बारे में बताना चाहते हैं। यह स्वाभाविक है कि हम लोग दूसरों के मुंह से यह सुनना चाहें कि हाँ, यही वह आदमी है जिसने इतना बड़ा काम करके दिखाया, यही वह व्यक्ति है जो इतना बड़ा कारनामा लिख करके चला गया, यही वह व्यक्ति है जिसने इतना बड़ा कारनामा खड़ा करके चला गया। तो दोस्तों, हम यही लोगों के मुंह से सुनना चाहते हैं कि लोग हमारी तारीफ़ करें, हमारे बारे में बोलें, परंतु अपनी असफलता का श्रेय आदमी तत्काल किसी दूसरे के मत्थे मर देता है। जब वह सक्सेसफुल नहीं हो पाता तो बहाने बनाने लगता है, तो दूसरों के ऊपर वो कहने लगता है कि इसकी वजह से मैं असफल हो गया। लेकिन जब सामान नहीं बिकता तो सेल्समैन ग्राहकों को दोष देते हैं। इसी तरह से अफसरों के लिए यह स्वाभाविक है कि गलत काम के लिए वह कर्मचारियों को दोष दें। घरेलू लड़ाइयों में पति पत्नियों को दोष देते हैं और पति पत्नियों को दोष देती हैं। दोस्तों, ये एक बात तो तय है कि सफलता के लिए आपको अपने आप को तैयार रखना होगा। अपने आप को याद दिलाएं कि आप आदर्श और पूर्ण मनुष्य बनना चाहते हैं, जितना बनना इंसान के लिए संभव है। आप अपने आप को एक टेस्ट ट्यूब में रखकर निष्पक्ष दृष्टि से खुद का और अपनी स्थिति का मूल्यांकन करें। यह देखें कि आप में कोई ऐसी कमजोरी है जिसके बारे में आप नहीं जानते हों, अगर है तो उसे सुधारने के लिए कदम उठाएं। दोस्तों, खुद का अच्छा आलोचक होना एक अच्छी बात है, बशर्ते कि आलोचना आपकी रचनात्मक हो। इससे आपको व्यक्तिगत शक्ति और योग्यता बढ़ाने में मदद मिलती है। जो लोग सफल हुए हैं वो दूसरों में दोष नहीं निकालते हैं। सामने वाले की गलती साबित करने से आपको कुछ भी हासिल नहीं होगा। रचनात्मक रूप से खुद की आलोचना करें, अपनी कमजोरियों को स्वीकार करने में ना हिचकिचाएं। सच्चे प्रोफेशनल बने, वे अपनी गलतियों और कमजोरियों को ढूंढते हैं, फिर उन्हें दूर करते हैं। इस कारण वे सफल प्रोफेशनल बन जाते हैं। परंतु अपनी गलतियां सिर्फ इसलिए ना ढूंढें ताकि आप खुद के सामने यह बहाना बना सकें, यह एक और कारण है जिससे मैं असफल होता हूँ। इसके बजाय अपनी गलतियों को इस तरह से देखें, यह एक और तरीका है जिससे मैं जीत सकता हूँ। अगर हम अपनी असफलता के लिए किस्मत को दोष देते हैं तो ये गलत है। महान अल्बर्ट हार्वर्ड ने एक बार कहा था, असफल आदमी वही होता है जिससे बड़ी गलतियाँ तो हुई हैं परंतु उसने उससे कुछ सीख लिया है। दोस्तों, यहीं पर अगर हम आपको बताएं कि किस्मत को दोष देना कुछ भी काम नहीं आएगा आपके, लेकिन अगर आप मान लें कि हवाई जहाज़ कोई दुर्घटनाग्रस्त हो गया है तो हम क्या करें, तो आप ये कहेंगे कि ये तो अपने आप हो गया, कि ये तो ऐसा होता ही है। नहीं दोस्तों, फिर आप इसमें ये नहीं कह सकते कि मेरी किस्मत ही ख़राब थी। इसी तरह से जब आप किस्मत को दोष देने के बजाय अपनी असफलताओं का विश्लेषण करें, आप जानें कि आप कहाँ पर हार रहे हैं, तो आप जीत सकते हैं। ज़्यादातर लोग ज़िंदगी में असफलताओं का विश्लेषण करते समय बदकिस्मती और दुर्भाग्य को दोष देते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या जब आपके घर में कोई बीमार हो जाएगा तो क्या आप डॉक्टर के पास नहीं लेकर के जाएंगे? बिल्कुल लेकर के जाएंगे। या फिर ऐसा तो नहीं कह देंगे क्या रे, ऐसा तो होता ही है? नहीं दोस्तों, आप ऐसा नहीं कहेंगे, आप डॉक्टर के पास ज़रूर लेकर के जाएंगे। दोस्तों, यहाँ पर जब भी आपकी राह में कोई बाधा आए तो आप अपने आप को तैयार करें, खुद से तैयार करें, अपने आप को रोकें नहीं। दोस्तों, आप अपनी किस्मत को दोष देना बंद कर दें, क्योंकि किस्मत को दोष देने से कोई भी आदमी वहाँ नहीं पहुँचा जहाँ पर वह पहुँचना चाहता था। दोस्तों, एडिसन के बारे में कहा जाता है कि वे अमेरिका के सर्वाधिक लगनशील और वैज्ञानिक थे। यह बताया गया है कि बिजली के बल्ब की खोज के लिए उन्होंने पहले कई हज़ार बार प्रयोग किए, परंतु यह बात आप ध्यान दें कि एडिसन में लगन के साथ साथ ही प्रयोगशीलता भी थी। वे बिजली के बल्ब को विकसित करने के लिए अपने लक्ष्य में जुटे रहे, परंतु उन्होंने लगन के साथ प्रयोगशीलता को भी मिला दिया। एक ही दिशा में लगन से जुटे रहना सफलता की गारंटी नहीं है, परंतु जब लगन और प्रयोगशीलता के समन्वय से सफलता की गारंटी आपको ज़रूर मिल जाती है। एडिसन को नहीं पता था कि मैं ये जो आविष्कार कर रहा हूँ इतने सारे, इन सबसे बल्ब बनेगा कि नहीं, लेकिन बाद में उन्होंने ये बात कही कि मुझे 10,000 तरीके पता चल गए जिनकी वजह से बल्ब को नहीं बनाया जा सकता है। दोस्तों, उनका एटीट्यूड था ये। अब दोस्तों, यहाँ पर दो सुझाव दिए जा रहे हैं जिसकी वजह से आप प्रयोगशीलता सीख सकते हैं। नंबर 1, खुद को बताएं कोई तरीका है।
विचारों में चुंबकीय शक्ति होती है। जैसे कि आप खुद को बताते हैं, मैं हार गया हूँ, मैं नहीं जीत सकता, तो आप नकारात्मक विचारों को आकर्षित करते हैं। इसके बजाय आप यह विश्वास करें, इस समस्या को सुलझाने का कोई तो रास्ता होगा, और तत्काल आपके दिमाग में सकारात्मक विचार आने लगेंगे, जिससे आपको समस्या सुलझाने में मदद मिलेगी। कोई ना कोई तरीका तो है। यह सोचना, यह विश्वास करना सचमुच बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि ऐसा करने से आप अपने आप को तैयार कर सकते हैं और आप अपनी नेगेटिव ऊर्जा को दूर करते हैं। दूसरा तरीका, पीछे हटें और फिर से शुरू करें। टेक ए पॉज एंड स्टार्ट अगेन। अक्सर लंबे समय तक किसी समस्या के इतने करीब रहते हैं कि नए समाधान या नई शैलियों को हम नहीं देख पाते हैं। अब दोस्तों, जब आपकी राह में कोई बाधा आए तो पूरे प्रोजेक्ट को कूड़ेदान में ना डालें। इसके बजाय थोड़ा सा पीछे हटें, मानसिक रूप से खुद को तैयार कर लें, संगीत सुनें या टहलें या फिर कोई आप झपकी ले लें। इसके बाद जब उस समस्या का समाधान आप करेंगे, जब आप उसका सामना करेंगे, तो कुछ भी सोचने से पहले ही आपके सामने इसका समाधान अपने आप आ जाएगा। दोस्तों, याद रखें, किसी भी परिस्थिति में आप वही देखते हैं जो आप चाहते हैं। इस वीडियो में हमने आपको बताया, हार को जीत में बदलने के लिए 1, असफलता का अध्ययन करें, अपनी गलतियों से सीखें और जीतने के लिए फिर से तैयार रहें। 2, अपने खुद के रचनात्मक आलोचक बनने का साहस रखें, अपनी गलतियों को ढूंढें और बार बार उनको ना करें। अपने भाग्य पर कोई भी आप दोष ना लगाएं कि मैं तो किस्मत की वजह से हार गया। अपने मेहनत पर आप विश्वास रखें, मेहनत के साथ प्रैक्टिस भी करें। और दोस्तों, 5, दूसरों में हमेशा अच्छाई देखें, किसी भी चीज़ में आप अच्छाई को देखें। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो और आज की जानकारी यहीं समाप्त होती है। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें, हमारे इस वीडियो को अपने सारे एसोसिएट्स में शेयर करें, अपनी टीम्स में शेयर करें। और दोस्तों, अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो नीचे कमेंट भी करें। और दोस्तों, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू दोस्तों।